सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए, हमने इसका पूरा विवरण है वो हमने पीछे की वीडियो में देख लिया। गोरा ही रेखा चित्र है। गोरा क्या डियर? रेखा चित्र है। मैं चर्चा कर चुका हूँ अक्सर, गोरा इसकी विधा क्या है, रेखा चित्र इसकी पृष्ठभूमि, इसकी भूमिका से मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। और ये महादेव वर्मा क्या है? लेखिका। ये क्या है? लेखिका है, बोले तो रचयिता है। क्या है गोरा रेखा चित्र में हम विस्तार से पढ़ेंगे। वैसे हम संक्षिप्त रूप में भूमिका के तौर पर जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ, तीसरा अध्याय। पीयूष पुस्तक है डियर, सृजन को मत टंटोलने लग जाना। सृजन का तीसरा खोलोगे तो कवि निकल जाएगा, ठीक है ना? तो लेखक परिचय, अब महादेव वर्मा का अपने को परिचय याद नहीं करना है, पढ़ना तो है, सम्मान करना है देवी जी का, लेकिन याद नहीं करना है हमें परिचय को, है ना? देखिए, फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा अपने पाठ में है तो। महादेव वर्मा का जन्म 1907 में और निधन 1987 में। कितने वर्ष जी भाई ये? 80 वर्ष का जीवन जिया इन्होंने। हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के चार प्रमुख स्तंभों में से हैं। चार खंभे यानी छायावाद में चार महत्वपूर्ण कवि हैं, प्रसाद पंत, निराला और एक है महादेव वर्मा। चारों में से एक है एक महादेव वर्मा। इनकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है। अंडरलाइन नहीं करना है, मैं बता ही रहा हूँ आपको फिलहाल। इनकी कविता में वेदना है, दुख है और करुणा दया की प्रधानता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की क्या कहा जाता है? मीरा। महादेव वर्मा की चिंतन वृत्ति साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रवाहित हुई है। उनका व्यक्तित्व सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता एवं सात्विकता से ओतप्रोत है। उन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखाचित्र विधा को अप्रतिम ऊंचाई दी। महादेव वर्मा का गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से अनुपम है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है, पढ़ते जाना मेरे साथ साथ। कविता संग्रह देखिएगा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिका, यामा, ये लड़कियों के नाम नहीं है, ये महादेव वर्मा की कविता संग्रह है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिका, यामा, संस्मरण एवं रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, है ना, मेरा परिवार, निबंध संग्रह, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध। आगे देखिएगा पाठ का परिचय। पाठ के परिचय में आप देखेंगे तो बातें झलकेंगी। गोरा रेखा चित्र, गोरा है क्या डियर? रेखा चित्र है, मैंने पहले बताया था। और गोरा किसका नाम है? गाय का नाम। और गोरा गाय का नाम कब होता है? जब गोरा, बोले तो जब गाय महादेव वर्मा के घर पर पहुंचती है, वेलकम होता है, उसके बाद में गाय का नाम रखा जाता है गौरा या गौरांगिनी, ठीक है ना? और एक वर्ष बाद में बछड़े को जन्म देती है गोरा, उसका नाम होता है लालमणि या लालू। गोरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग में बाह्य सौंदर्य के साथ माने, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। पार्ट प्रश्न क्या है, ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा अंडरलाइन करें। प्रश्न क्या बनेगा? गोरा रेखा चित्र का मूल भाव प्रतिपाद्य एक है, क्या कहना चाहती है महादेव वर्मा गोरा रेखा चित्र के माध्यम से? क्या कहना चाहती है गोरा रेखा चित्र का मूल भाव क्या है, गोरा रेखा चित्र का प्रतिपाद्य क्या है? तो तीन प्रश्न है, उत्तर एक ही होगा, ठीक है ना? देखिएगा, गोरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग यानी गोरा की आंतरिक और बाह्य सुंदरता के साथ साथ मानवीय संवेदना का भी रेखांकन है कि मानव के प्रति वो किस प्रकार से संवेदना प्रकट करती है। इसमें गाय का घर में आगमन, किसमें? गोरा रेखा चित्र को पढ़ेंगे तो गाय का आगमन होगा महादेव वर्मा के घर पर, किस प्रकार होता है हमने पढ़ा था। स्वागत होगा, लेखिका के ममत्व, लेखिका का गाय के प्रति ममता का भाव जागेगा, ममत्व है।
रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गौरा गाय के स्वभाव, किस प्रकार से गौरा का स्वभाव है वो हमें इस रेखाचित्र में देखने को मिलेगा। क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रधान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। अंतिम वाक्य महादेव वर्मा के इस गौरा रेखा चित्रपाठ का अंतिम वाक्य है क्या? आह मेरा गोपालक देश, अर्थात इस प्यारे से भारत देश में जिसको गोपालों का, गायों को पालने वाला देश कहा जाता है, इस देश में ऐसे लोग भी निवास करते हैं जो ईर्ष्या के वशीभूत होकर बिना गलती के ही गायों की निर्मम हत्या कर देते हैं। संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है। ममता का मतलब होता है प्यार। सर हमारे पड़ोस में एक ममता रहती है, वो अलग आइटम है, ठीक है। तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। अब इस प्रकार की महिला गाय के बारे में, गाय के दुख के बारे में रोए तो माय डियर हर किसी की भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुंचता है। आगे देखिएगा, गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वय संधि तक, वय संधि का मतलब होता है क्या? किशोरावस्था। वय संधि का मतलब क्या होगा? किशोरावस्था। गाय की आयु है ये किशोरावस्था, जवान है गाय, पहुंची हुई बच्चिया थी, बच्ची यानी बछड़ी थी, पहली पहली बार ही वत्स को जन्म देती है। इसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट थी। जितनी भी गायें थी उनसे एक अलग ही थी, विशिष्ट यानी एक अलग ही गाय थी। किन के घर पर पली हुई थी ये? गौरा की एक बहन थी जिसका नाम था श्यामा वर्मा, जो महादेव वर्मा की क्या थी भाई? बहन थी, छोटी बहन थी। उन्हीं ने तो सुझाव किया था महादेव वर्मा को गाय पालने का, और दिया था कि नहीं, पढ़ा था ना उन्होंने, देखिए वही बहन ने एक दिन, बहन कौन है ये? श्यामा। बहन कौन है भाई? श्यामा ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करते हो, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, महादेवी वर्मा की बहन ने, बोले तो महादेव वर्मा की बहन श्यामा ने महादेव वर्मा को क्या कहा या क्या सुझाव दिया, अंडरलाइन करें। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्म निष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। महादेव वर्मा कहती है कि उनके कहे अनुसार मैंने गाय को पाला, गाय को घर में लाई। महादेव वर्मा कहाँ से लाती है गाय? श्यामा वर्मा के घर से लाती है उसके कहे अनुसार, और उनका स्वागत होता है। महादेव वर्मा ये भी कहती है कि मेरी छोटी बहन है, हालांकि मेरे से छोटी बहन है लेकिन बुद्धि की तुलना में मुझसे क्या है, बड़ी है। वो जो भी बात कहती है वो अच्छी कहती है, वास्तव में उनकी बात पार उतरनी होती है। ये कहती है कि उम्र में तो मैं बड़ी हूँ लेकिन बुद्धि में मुझसे बड़ी कौन है? श्यामा है, जिसके कारण उनकी बात माननी पड़ती है। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान, जिस प्रकार संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो छूने से फैलता है, उसी प्रकार वो किसी को कुछ कहती है तो उनका प्रभाव तत्काल होता है। इसलिए महादेव वर्मा कहती है कि मैं उनकी बात को मानने के लिए क्या हो गई, तैयार हो गई, के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित, आगे देखिएगा, मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। तत्काल उस सुझाव का, कौन से सुझाव का? गाय का, गाय को पालने का सुझाव तत्काल, माधुरी वर्मा कहती है कि तत्काल कार्यान्वयन यानी कार्य करने के लिए आवश्यक हो गया। यानी उसकी बात को सुन करके तत्काल मैंने ठान लिया कि अब तो गाय मुझे लानी ही है। तो सुझाव कौन देती है? श्यामा वर्मा। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। महादेव वर्मा कौन से पशु पक्षियों को नहीं पालती है? महादेव वर्मा ऐसे पशु पक्षियों को नहीं पालती थी जिससे उसे आमदनी हो। जैसे बकरी है, बकरी के बच्चा होता है उसको बेचना भी पड़ता है, आय होती है, तो आय वाले पशुओं को नहीं पालती है। नेक्स्ट देखिए, जैसे बकरी है, कुक्कुट है, कुक्कुट यानी मुर्गा मुर्गी,
मछली आदि पालने की मूल उद्देश्य का ध्यान आती है, मेरा मन विद्रोह करने लग जाता है। महादेवर्मा ऐसे पशुओं को पालने विद्रोह करती है जिन पशुओं को पालने से उसे क्या प्राप्त होती है, आमदनी। इसीलिए तो गाय नहीं पालती थी, लेकिन महादेवर्मा को किसने समझाया, श्यामा ने समझाया कि उससे कोई आमदनी नहीं होगी, उससे आपके जो पशु पक्षी हैं जिनको आप बेहद प्यार करती हैं वो अच्छी प्रकार से पलेंगे, है ना। गाय में गाय दूध देगी और अच्छी प्रकार से क्या होगा, उनका लालन पालन हो जाएगा। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा, पुष्ट लचीले, यहां से अंडरलाइन करेंगे आप, प्रश्न क्या बनेगा, गाय की सुंदरता, यानी गाय की सुंदरता कैसी थी, गाय दिखने में कैसी लग रही थी, इसका आप यहां से अंडरलाइन करेंगे, बीच में कुछ छोड़ेंगे, आगे फिर से अंडरलाइन करना है कि गाय दिखने में कैसी थी, गाय की सुंदरता का वर्णन कीजिए, या गाय की आंतरिक और बाह्य सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो वेरी वेरी लवली प्रश्नों में से एक है, गोरा रेखा चित्र में गाय की आंतरिक व बाह्य सुंदरता का वर्णन कीजिए, तो यहां से अंडरलाइन कीजिए। गोरा के पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे यानी जांग भरे हुए थे, ऐसे मतलब मोटी ताजी थी, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडोल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, किसके, गाय के, भीतर की लालिमा की झलक देखते हुए कमल की दो अध खुली पंखुड़ियों जैसे कान, जैसे कि कमल की अध पंखुड़ी खुली हुई है उस प्रकार के कान, लंबी और अंतिम किनारे पर काले सघन चामर, ये छोरियन किनार होता है, चामरियन चमड़ी, सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ ऐसा लगता था मानो गाय को सांचे में डाला गया हो। जिस प्रकार हम एक आकार की ईंटें बनाते हैं, सांचे में एक ही प्रकार की ईंटें निकलती है, वो सांचा होता है, तो गाय इतनी सुंदर थी मानो ईश्वर ने समय लगा करके पास में बैठ करके इसका निर्माण किया गया हो। गाय को मानो इटालियन मार्बल, मार्बल का मतलब होता है संगमरमर, सफ़ेद से तराश कर उस पर ओप दी गई हो, शोभा दी गई हो, यानी चमक इतनी थी गाय की कि मानो उसे इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो, जैसे मार्बल चमकता है उसी प्रकार से गाय भी सुंदर दिख रही थी। यहां तक अंडरलाइन करना है, ये किस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं कि गाय की सुंदरता का वर्णन कीजिए, गाय की आंतरिक सुंदरता कैसी थी, गाय की बाहरी सुंदरता कैसी थी, अगर सुंदरता का नाम आ जाए तो आप यहां तक लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, बाद में फिर अंडरलाइन करेंगे, आगे और है इसका, ये थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके दिया हुआ पाठ, ठीक है ना। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी, अब ये अलग प्रश्न बन जाएगा अलग से कि स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है, अलग से प्रश्न गया, मान लीजिए ये फिर से अंडरलाइन करना, ये अलग प्रश्न है, मैं पेन भी अलग कर लेता हूँ, ये यहाँ से अलग करना। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में, स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है, तो आप उत्तर दे देना, स्वस्थ पशु के रोम का मतलब होता है छोटे छोटे बाल, चिकने, जिस पर पानी उंडेलते हैं तो पानी नीचे गिर जाता है, उसको कहते हैं रोम, कहते हैं मेरा रोम रोम खिल उठा, उठ गया तेरा रोम रोम। तो स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है, गोरा की उज्ज्वलता देखकर, यानी गोरा की पवित्रता को देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। यानी गाय इतनी सुंदर थी, गाय की रोम इतने सुंदर थे कि मानो उस गाय पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिधर प्रकाश पड़ता था उधर से वो अत्यधिक सुंदर लग रही थी। ये है गाय स्वस्थ पशु के रोमों की विशेषता, यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है। प्रश्न क्या है, स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है, अंडरलाइन किया डाइलाइन वाला, ये विशेषता होती है, याद करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई, गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का सा। अब ये प्रश्न कौन सा आएगा, ये प्रश्न अधूरा भी, ये किस प्रश्न का उत्तर था कि गाय की सुंदरता का वर्णन कीजिए, सुंदरता का वर्णन यहां से यहां तक किया, यहां तक किया था ना आपने, ये प्रश्न किसका है, ये अलग प्रश्न है कि गाय के स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है, या स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है, ठीक है ना। तो ये स्वस्थ पशु के रोमों की विशेषता का प्रश्न हो गया, ये प्रश्न कौन सा होगा, मैं अलग पेन यूज में कर लेता हूं, ठीक है ना, ये कर लिया मैंने, ये ले, गाय को देखते ही यहां से अंडरलाइन करना है, प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये अलग पेन देख लेगा, गाय के
गाय का महादेव वर्मा का सॉरी गाय का महादेवी वर्मा के घर पर किस प्रकार स्वागत हुआ। हमने वैसे देख लिया अभी, माला पहनाई, तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और आरती उतारी और उसका नाम क्या रखा, गौरा या गौरांगिनी, ये पढ़ लिया। ये बातें आने वाली है तो यहाँ अंडरलाइन करना है आपको, पर्सन का ध्यान में रखना है, किस पर्सन का उत्तर कर रहे हैं आप लोग, कि गौरा गाय का, बोले तो गाय का, जो गाय श्यामा वर्मा के घर से लाई गई थी उस गाय का महादेव वर्मा के घर पर स्वागत किस प्रकार हुआ। तो आप अंडरलाइन करेंगे कि परिचितों, परिचितों का मतलब होता है संबंधी, और परिचारकों का मतलब क्या होता है, सेवक। जैसे ही गोरा, जैसे ही गाय महादेव वर्मा के द्वार पर पहुंची तो संबंधियों और सेवकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ पड़ा। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाएगी, उसे किसे, गाय को, अरे स्वागत हो रहा है अभी, उसे लाल सफेद गुलाबों की, लाल और सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई। केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, किसके, गाय के, वही टीका लगाते हैं अंदर डालने के लिए। घी का चौमुखा जिसमें चार मुंह हो, ऐसा दिया जिसके चार मुंह हो, चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई ऐसे गाय के सामने, और उसे दही पेड़ा खिलाया गया, पेड़ा मीठा होता है, मिठाई खिलाई गई, ये स्वागत हो गया, और उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गोरा। यहां तक अंडरलाइन करना है। ये प्रश्न किसका हो गया, ये प्रश्न हो गया गाय का महादेव वर्मा के घर पर स्वागत किस प्रकार हुआ। परिचितों, गाय को देखते परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई और क्या किया गया, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, अभी याद कर लेना है। घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया, नाम रखा गौरा या गौरांगिनी। ठीक है, पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर, और महादेव वर्मा की गाय भी बड़ी जो संतुष्ट लग रही थी। अब गौरा देखो नाम कपड़ा है स्वागत करने के बाद में, ठीक है ना, पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, गाय पर भी सब प्रभाव पड़ा कि गाय भी ऐसी शांत मुद्रा में खड़ी थी, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगे, तब कई दियों का भ्रम होने लगा, जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए गए। महादेव वर्मा की इस गाय के सामने, आंखों के सामने जो आरती उतारी जा रही थी, तो आरती के दियों की जो चोमू का दिया था उनकी जो, उनका जो प्रतिबिंब है वो महादेव वर्मा की गाय की आंखों में पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कई दिए प्रवाहित किए जा रहे हैं। लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं, आपको यहां तक अंडरलाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट, गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। आप फिर से अंडरलाइन करेंगे, देखिए फिर से अंडरलाइन कहां से आगे करना है, ये जो आपने छोड़ा था यहां से, कहां छोड़ा था, ये लो, ये देखो, गाय को मैंने टेली मारू से त्रास कर उस पर ओप दी, यहां तक आपने अंडरलाइन करना लाल पेन से, है ना, मैंने किया था यहां तक, अब यहां से आगे आपको फिर अंडरलाइन करना, देखो ए, यहां से लाल पेन से कर रहा हूं, किस प्रश्न का उत्तर है, गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी, कैसे, ये भी आ सकता है, गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। प्रिय दर्शन का मतलब क्या होता है, प्रिय दर्शन का मतलब होता है सुंदर, प्रश्न वही है जो ऊपर हमने अंडरलाइन किया है हमने, वो कि गोरा वास्तव में, गोरा गाय वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी, गोरा दिखने में कैसी लग रही थी, गोरा वास्तव में सुंदर थी, कैसे, तो आपने ऊपर चार पांच पंक्तियां अंडरलाइन कर रखा है वो, और उसके अंदर आगे से यहां मिला दीजिए, यहां आगे फिर अंडरलाइन करिए, ये पंक्तियां उसमें मिला दीजिएगा उत्तर देते इसमें। विशेषता उसकी काली बिलोरी आंखों का, काली बिलोरी पत्थर होता है एक, उसकी उस प्रकार की आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर स्थिर कर देता था। चौड़ा उसका उज्जवल माथा था और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था, किसको देखने पर, गाय, गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर
एक आत्मविश्वास ही रहता है, यानी गाय की आंखों को देखकर एक आत्मविश्वास लगता है। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने कहा था गाय करुणा की कविता है। एक हिरण होता है जिसको इन हिरण को देखते ही हिरण भाग जाता है, लेकिन गाय को देखते गाय भागती नहीं है, एक विश्वास रखता है। मानवीय संवेदना प्रकट होती है, गाय को विश्वास होता है कि अमुक नागरिक मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, फिर भी हम कर देते हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। उस पशु को मनुष्य से, उस पशु किसको गाय को मनुष्य से किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों का विश्वास का स्थान विश्व में ले पाता है न आतंक। आपको यहाँ तक अंडरलाइन करना है, आत्मविश्वास ही रहता है, यहाँ तक अंडरलाइन करना है वो सुंदरता में, ये तो आगे ऐसे ही है, यहाँ तक अंडरलाइन करना है। महात्मा गांधी ने, ये वेरी मोस्ट है, महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है, ये किसने कहा था याद रखना, पूछूंगा मैं आगे। महात्मा गांधी ने कहा गाय करुणा की कविता है, ऐसा क्यों कहा, गाय की आंखों को देखकर, क्योंकि गाय की आंखों में क्या एक आत्मविश्वास झलक रहा था। क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है, आंखों को देख करके ही पता लगाया जा सकता है कि गाय करुणा की कविता है, क्योंकि गाय की आंखों में करुणा का भाव झलकता है। गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। गोरा गाय की जो गति है वो क्या है, अलस यानी आलस्य, और मंथर का मतलब होता है धीरे। गाय की जो धीमी गति है, लेखिका कहती है कि जो आनंद धीमी गति में है वो आनंद तेज गति में नहीं हो सकता। एक कोई आइटम आपके सामने धीरे धीरे चल रहा है उसको आसानी से आप देख सकते हैं सुंदरता को, लेकिन एक बड़ी तेज गति से गया, हालांकि सुंदरता तो उसमें भी है, लेकिन तेज गति की सुंदरता में वो आनंद नहीं है जो धीमी गति की चलने वाली सुंदरता में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर धीमी गति की सुंदरता किसको कहे, गाय जब चलती है तो आराम से चलती है, तो उसकी सुंदरता अच्छी प्रकार से दृष्टिगोचर हो जाती है। तीव्र गति में सौंदर्य, माधुर्मा कहती है कि तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता, परंतु वह धीमी गति की सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकता। भाई तेज गति में भी सुंदरता है, मंद गति में भी सुंदरता है, लेकिन सबसे अधिक सुंदरता किसमें दिखाई पड़ेगी, मंद गति में, क्योंकि उसको हम आसानी से निहार सकेंगे। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का उदाहरण दिया है। तो तेज गति में भी सुंदरता है, मंद गति में भी सुंदरता है, लेकिन मंद गति की सुंदरता सर्वोच्च होती है। उदाहरण दिया बाण का जो तेज गति का प्रतीक है, और उदाहरण दिया है मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर, वृंत का मतलब डाली, डेंटल पर ओले ओले हिलना दृष्टि का उत्तर है। एक फूल अपने पौधे पर आराम से हिल रहा है मंद मंद गति से, तो उस फूल की सुंदरता अच्छी प्रकार से जान पड़ती है। वैसे बाण में भी सुंदरता है, लेकिन उसकी तीव्र गति होने के कारण फूल की सुंदरता को प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ दिनों में यह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर ही भूल गए। अब प्रश्न हो सकता है महादेव वर्मा की गाय, मैं यहाँ से फिर अंडरलाइन करता हूँ अलग पेन से, महादेव वर्मा की गोरा गाय अन्य पशु पक्षियों से किस प्रकार घुल मिल गई, या गोरा गाय का अन्य पशु पक्षियों से किस प्रकार संबंध था, तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे। कुछ ही दिनों में यह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर ही भूल गए। अन्य पशु पक्षी ये भूल गए कि हम कितने छोटे हैं और ये कितनी बड़ी है, अगर पैर वगैरह कुछ रख दिया तो हमारा इंतकाल हो जाएगा, ये तो अंतर भूल ही गए। गोरा का भी विश्वास हो गया अन्य पशु पक्षियों के प्रति, और अन्य पशु पक्षियों का भी गोरा के प्रति इतना विश्वास हो गया था कि गाय कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कई पशु पक्षी गोरा के पेट के नीचे से होकर के जाते थे, कई ऊपर बैठ जाते थे, कई उनकी आंखों को खुजलाते थे, कई बार कानों को खुजलाते थे, गोरा को बड़ा आनंद आता था। इसलिए गोरा किस प्रकार पशु पक्षियों से घुल मिल लेती है देख लीजिएगा, लघुता का मतलब छोटापन और विशालता का मतलब बड़ापन का अंतर भूल जाते हैं। कुत्ते और बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे, कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे, उसके पेट के नीचे किसके, गोरा के पेट के नीचे, पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे, वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उन्हें संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। नेक्स्ट, हम सबको वह आवाज से नहीं
हम सबको वह आवाज से नहीं पैर की आठ से भी पहचाने लगी। परिवार में जितने भी सदस्य थे, परिवार में कोई भी सदस्य आता था तो पैरों की आहट से जानती थी कि ये मालिक है, नौकर है, कौन है। समय का इतना अधिक ज्ञान उसे हो गया था किसे गाय को कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती थी कि मेरा दूध निकालो, समय हो गया। इतनी समझदार, इतनी घुल मिल चुकी थी। चाय नाश्ता कब होता है, भोजन का समय कब होता है, वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंबा रंबा कर घर सिर पर उठा लेती थी। कौन? गोरा। ये था उसका घुलने मिलने का तरीका, ठीक है ना। तो यहां तक अंडरलाइन करना, इतना काफी है। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता जाता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती थी। भाई मैंने पहले बताया था कि महादेव वर्मा जब गाय के पास जाती थी, चाहे कोई क्यों ना हो, वो अपनी गर्दन अगले वाले के कंधे पर रख देती थी। लेकिन खास तौर से लगाव महादेव वर्मा की गोरा गाय का किसके साथ था? महादेव वर्मा के साथ ही था। गोरा की गाय, जो महादेव वर्मा की गोरा गाय है, उसका ज़्यादातर लगाव किसके साथ था? महादेव वर्मा के साथ था। जब भी महादेव वर्मा उनके पास जाती थी तो गोरा अपना सिर, बोले तो गर्दन, महादेव वर्मा के कंधे पर रख देती थी और खुरदरी जीभ से चाटती थी और इस प्रकार से चटवाना महादेव वर्मा को बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, हाँ देखिए, उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए, प्रश्न अलग से बन सकता है, जब महादेव वर्मा के पास गाय के पास जाते थे तो क्या क्रियाकलाप करती थी? निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, भी कोई हाथ फेरिए। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। कोई भी उसके नज़दीक जाता था तो गाय के अंदर आंखों में विश्वास भरा रहता है, इसलिए विश्वास के साथ, उनको पता है कि मानव मेरे साथ बुरा आचरण नहीं कर सकता, इसलिए गाय हर किसी के ऊपर, कंधे के ऊपर अपना सर रख लेती थी। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती कि दूर क्यों गए। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी बाएं बाएं की, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता, ये कहाँ से जान पड़ते थे कि गाय दुखी है कि निराश है, आलस्यवान है, कि ये सब आँखों को देखकर पता लगाया जा सकता था। आदि की अनेक छाया छवियाँ उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी, नजर आती थी। एक वर्ष के बाद में गोरा बछड़े को जन्म कब देती है? एक वर्ष बाद में, ध्यान देखें, एक वर्ष के उपरांत का मतलब होता है बाद। मैंने पहले बताया था कि एक वर्ष बाद में, उपरांत का मतलब क्या हो गया? उपरांत का मतलब बाद में। एक वर्ष बाद में गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स को जन्म देती है, उसकी माता बनती है। वत्स अपने लाल रंग के कारण, वत्स का रंग कैसा होता है? लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। गेरू का पुतला मतलब था मिट्टी के रंग का ना, थोड़ा लाल। उसके माथे पर पान के आकार, उसके माथे पर चिन्ह कैसा है? पान के आकार का मैंने बताया था, का सफेद तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय, वलय का मतलब होता है कंकण। ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। ये लालू का चरित्र की गोरा का पुत्र कैसा था, यानी गोरा का बच्चा कैसा था। एक वर्ष बाद में महादेव वर्मा की गोरा गाय सुंदर वत्स को जन्म देती है। कैसी उसकी विशेषता होती है, तो ये किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं? हम विशेषता पढ़ रहे हैं गोरा गाय के बछड़े की। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू से संबोधन में पुकारने लगे ना। यहां तक अंडरलाइन करना, ये लालू की विशेषता है। आगे इसमें और जोड़ देना, जैसे गाय बीमार हो जाती है तो लालू अबोध होता है और वह अपने माँ को उठाने का प्रयास करता है, सिर मारता है, और जब मृत्यु हो जाती है गाय की, गाय को ले जाया जाता है तो भी बछड़ा है, बोले लालू है, उछलता कूदता रहता है। ये लालू की विशेषता है, ठीक है ना, ये जोड़ देना उसमें आगे। नेक्स्ट,
माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध नहाओ उत्सव प्रारंभ हुआ। ध्यान रखना, घर में दुग्ध महोत्सव आरंभ कब होता है? जब गाय एक सुंदर वत्स को जन्म देती है। ये हमने पढ़ लिया। गोरा प्रातः साय 12 शेर के लगभग दूध देती थी। कितने शेर? 12 शेर के लगभग दूध देती थी। अतः लालमणि के लिए कई शेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल तक के सब मानो दूध ना हो का आशीर्वाद फलित होने लगा। इतना दूध हो जाता था कि माधुर्मा के स्वयं के जो पालतू पशु पक्षी थे वो भी पेट भर लेते थे और आसपास के ग्वालों का पशु पक्षियों का भी पेट भर जाता था, फिर भी दूध बचा रह जाता था। इसलिए कहा गया है कि वहाँ पर दूध ना हो का आशीर्वाद फलने लगा। कुत्ते बिलियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, फिर दुग्ध दोहन के समय अन्य पशु पक्षी का क्या व्यवहार था? दुग्ध दोहन के समय अन्य पशु पक्षी क्या क्या करते थे? मैंने बताया था आपको, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, ये ले। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और वे सब कौन? गोरा के महादेव वर्मा के पालतू पशु और पक्षी एक पंक्ति में लाइन में बैठ जाते थे अनुशासन की मुद्रा में। हम कभी नहीं बैठते मास्टर के कहने पर, लेकिन पशु पक्षी बैठ जाते थे। कब तक बैठे रहते थे? जब तक नहीं निकल जाता गाय का दूध। और जब गाय का दूध निकलने लग जाता और पशु पक्षी नहीं आते तो गाय रंबा रंबा करके पशु पक्षियों को बुला लेती थी कि आइए बैठ जाइए, मेरा निकल रहा है दूध। महादेव कौन है? ये नौकर। उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। कौन? महादेव वर्मा के पशु पक्षी। फिर नाप नाप कर महादेव सबके पात्रों में दूध डाल दिया करता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए किए हुए उपकार का मानने वाले महादेवी वर्मा के जो पशु पक्षी हैं वो क्या करते भाई? गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लग जाते। पहले नहीं उछलते वो, पहले तो ऐसे शांत मुद्रा में बैठे रहते जैसे कि इनको बिठाया गया है। चूं भी नहीं करते थे, हिलते डुलते भी नहीं थे। जैसे गाय का दूध निकल करके वो दूध पी लेते उसके बाद में वो अपना काम उछलने कूदने का शुरू कर देते। जब तक वे सब चले नहीं जाते गोरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंबा रंबा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। यहाँ तक अंडरलाइन करना है कि दुग्ध दोहन के समय महादेव वर्मा के पशु पक्षियों का क्या व्यवहार था, या जब गाय का दूध निकाला जाता था तो अन्य पशु पक्षी उस समय क्या करते थे? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये करते थे, ठीक है ना? नेक्स्ट, पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहती थी। अब दुग्ध तो खूब हो रहा है, लेकिन अब महादेव वर्मा के सामने समस्या आ गई। कौन सी समस्या? दूध निकालने की। और वो हल कौन करता है? ग्वाला करता है। तो यहाँ से अंडरलाइन करें, दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहती थी। नौकरों में क्यों चाहती थी? क्योंकि नौकरों में नागरिक तो दूना जानते ही नहीं थे, क्योंकि शहर में रहते थे और जो गाँव से आए थे वे अन्न ब्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके कि घंटों लगा देते थे दूध निकालने में। गांव के लोग दूध निकालना तो जानते थे लेकिन अभ्यास नहीं था, और जब किसी चीज़ का हम अभ्यास नहीं करेंगे तो पूरा सफाया हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभ्यास बड़ी चीज़ है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। आप कितना पढ़ते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़े हुए का आप कितना अभ्यास करते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो आप नया पढ़ने की बजाय जितना पढ़ा हुआ है उनका आप अभ्यास करते रहें, ठीक है? तो दूध की समस्या यह थी कि उनके पास या तो ग्रामीण थे या नागरिक थे। नागरिक दूध जानते नहीं थे, नगरों में रहने वाले, और जो शहर में रहने वाले थे वो शहर में रहने वाले जानते नहीं थे, और गांव में रहने वाले इस क्रियाकलाप को इतना भूल गए थे कि घंटों लगा देते थे। गोरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के लिए विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पाया। तो गोरा के
दूध निकालने की समस्या का समाधान किसने किया? वही ग्वाला जो महादेव वर्मा के घर पर दूध देने के लिए आता था, वही आग्रह करता है कि दूध मैं निकाल लिया करूँगा, महादेव वर्मा हम ही भर देती है, क्योंकि महादेव वर्मा का उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। और जैसे ही वो आता है तो महादेव वर्मा की समस्या क्या हो जाती है? हल हो जाती है। 2-3 मास के उपरांत घोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया, क्योंकि इस ग्वाले ने क्या खिला दी? सुई खिला दी गुड़ के अंदर, और वह उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। गोरा को महादेव वर्मा ने डॉक्टरों को क्यों दिखाया? क्यों? क्योंकि गोरा बीमार रहने लगी थी, दाना चारा सब बंद कर दिया था, और दिनों दिन क्या होती जा रही थी? कमजोर होती जा रही थी। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया। डॉक्टर ने क्या निर्णय दिया भाई? दुर्बल गाय को देख रहे डॉक्टरों ने क्या दिया? अंत में उन्होंने यह निर्णय दिया। किसने ने? डॉक्टरों ने, कि गाय को सुई खिला दी गई है, और जैसे ही सुई उसके रक्त संचार के साथ पहुंचकर हृदय तक पहुंच जाएगी और हृदय को छेद देगी तो गाय की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है, ये डॉक्टरों ने निर्णय दिया था। तब जाकर के महात्मा जो महादेव वर्मा के ज्ञान चक्षु खुले कि ये कौन हो सकता है जो गाय को गुड़ में सुई खिला सकता है। उसके ग्वाले पर इस पर तो ध्यान ही नहीं जाता है, इस पर तो महादेव वर्मा का ध्यान ही नहीं जाता है इस ग्वाले पर। ये वही ग्वाला है जो गाय से पहले महादेव वर्मा के घर पर दूध देने के लिए आता था, और यही इनको सुई खिलाता है। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या के कारण ये जलता है कि महादेव वर्मा के घर पर गाय क्यों आ गई, और ये जब तक गाय रहेगी तब तक महादेव वर्मा मेरे से क्या नहीं लेगी? दूध नहीं लेगी। और गाय को मार दूंगा तो गाय ये महादेव वर्मा मेरे से क्या लेना शुरू कर देगी? दूध। इसी ईर्ष्या के वशीभूत होकर, ईर्ष्या के कारण ये ग्वाला गुड़ में क्या खिला देता है? सुई। और इसका पता महादेव वर्मा को तब चलता है जब डॉक्टर निर्णय लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम कितना हो गया भाई? 37। 2-3 मिनट और देख लेते हैं भाई। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई, ये आप अंडरलाइन करेंगे। महादेव प्रश्न बन सकता है, महादेव वर्मा को कष्ट और आश्चर्य की अनुभूति कब हुई? कष्ट और आश्चर्य, देखो दो बातें हैं, एक तो कष्ट और एक आश्चर्य। आश्चर्य तो तब होता है कि उनके पास रहने वाला दूध निकालने वाला ग्वाला ही क्या कर देता है? गाय को सुई खिला देता है। और दुख होता है कि ऐसा क्यों किया, ठीक है ना। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो महिला माध्यम में कहते हैं कि हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिद कर रह जाती है। माधुर्मा थोड़ा सा एहसास हुआ थोड़ा सा कि अगर दाने चारे में अगर सुई गई है तो मुख के अंदर छिद कर रह जाती है, अंदर नहीं जाती है। अगर सुई अंदर ही गई है, पेट में डायरेक्ट सीधी गई है, तो इसको गुड़ में सुई खिलाया गया है, और गुड़ में यदि सुई खिलाई गई है इसका मतलब जानबूझकर ये कदम किसी ने उठाया है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ, यह कथन किसका है? प्रश्न हो सकता है, ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ। यह सत्य यह था कि जिस गाय को गुड़ में सुई खिलाई गई थी वह सुई खिलाने वाला वही ग्वाला है जो महादेव वर्मा के पास निवेदन करने के लिए आया था, जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी, जिसके बारे में महादेव वर्मा कहती है कि मैंने सोच भी नहीं रखा था कि ऐसा हो जाएगा। प्राय है कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहाँ उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का ना सह नहीं पाते, अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेट कर सुई उसे खिलाकर उसकी ऐस में मृत्यु निश्चित कर देते हैं। माधुर्य में बोलती है गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। ग्वाले पर व्यंग्य कर रही है, सुई की बात ज्ञात होती ग्वाला एक प्रकार से अंतर्दान हो गया। देखो माधुर्मा
क्या व्यंग्य करती है, महादेव वर्मा का व्यंग्य है नौकर के सामने, नौकर समझ जाता है, ग्वाला समझ जाता है बाद में, जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है गाय का आना सह नहीं पाते, अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेट कर सुई उसे खिलाकर उसकी ऐस में मृत्यु निश्चित कर देते हैं। ये महादेव वर्मा किसको सुना रही है, उस ग्वाले को सुना रही है व्यंग्य में। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं, गाय है तब तक तो उनके दूध उनका दूध बंद रहता है, लेकिन मरते ही वो पुनः दूध देने लगते हैं, शर्म नहीं आती। सुई की बात ज्ञात होते ही जैसे सुई का नाम आता है तो ग्वाले को पता चलता है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका और ग्वाला क्या हो जाता है, अंतर्धान। अंतर्धान का मतलब होता है गायब हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना, से पहले तो संदेह था अब विश्वास हो गया कि सुई का नाम लेते ग्वाला फरार हो गया, इसका मतलब ये सारा काम सारी करतूत किसकी है, ग्वाले की है। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।